शुक्र है, मेरा पवित्र घर पूरी तरह से अपवित्र होने से बच गया। मैं जल्द ही महाशुद्धि का हवन कराऊंगी। सही बात है माँ, मुझे ना पहले से ही शक था उस लड़की पर। आपको पता है मेरा 2 दिन से पर्स नहीं मिल रहा है। हाँ, पूछिए लालटू से। लालटू कहाँ गया? लालटू बाहर गया है सर। एक नंबर की चोर थी वो। और आपको पता है पूजा में उसने हमें कुछ खाने को दिया था ना? क्या था? अब वो पनीर और मंचूरियन। हाँ हाँ हाँ, आपने नोटिस किया उसको खाते ही हम सबको कैसे नशा हो गया था। उसी में कहाँ है वो? वहाँ रखा है शायद। लीजिए, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। भांग मिली हुई है इसमें, इसलिए दिया था हम लोगों को खाने के लिए ताकि हम इसको खा के नशे की हालत में बेहोशी में रहें और वो पीछे से इस घर से पता नहीं क्या क्या चुरा के चली जाए। माय गॉड, कितनी शातिर थी वो। ये सब अबीर की गलत शादी का नतीजा है। अगर अभी नीरजा से शादी नहीं करता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। छी 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 छी, दुर्गा माँ, क्या सोचा था और क्या निकली है लड़की। वैसे भी एक गंदी जगह से आने वाली लड़कियों को तो आदत होती है ये चोरी चकारी, झूठ बोलना, मर्दों को फंसाना, ये तो खून में होता है ये सब। हाँ, और झूठ बोलना भी। आज चोरी की है, कल पता नहीं क्या झूठ बोल के हमको फंसाने की कोशिश करे। अरे दीदुन के जैसे ही ये लड़की भी पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी कर सकती है। कल को हम पर कोई इल्जाम लगा सकती है बड़ा सा झूठ बोल के। दुर्गे माता, जय दुर्गे माता।